So good morning, students. Good morning. Please fill your attendance. Otherwise, I'll send you again after a few minutes. No issues at all. देखिए, आज की क्लास में एक ही चीज है, एक्स्ट्रास. एक्स्ट्रास मन से क्वेश्चन बनाएंगे, लाइव आइसक्रीम की तरह लाइव क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और खुद उसको सॉल्व करेंगे. और आज की क्लास में क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे सर? कॉल्स इन एरियर को भी इंक्लूड करते हैं, प्लस कॉल्स इन एडवांस को भी इंक्लूड करते हैं, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी साथ में शामिल करते हैं. कोई बिग डील नहीं है बेटा, बस आपको क्वेश्चंस करने हैं स्पीडली, राइट? हो सके तो रजिस्टर में साथ साथ नोट डाउन करना है. इज इट ओके? ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं. चलिए सीधा क्वेश्चन के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ. क्वेश्चन नंबर वन, जी लिमिटेड एक कंपनी है, ये अपने 4000 शेयर्स इशू करना चाहती है. बच्चों 10 रुपीज का एक शेयर था, ये इशू करना चाहती है प्लस टू में. इज इट ओके? ठीक है. अमाउंट कैसे ले रही है ये कंपनी देखिए, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपकी बुक में एक थ्योरिटिकल पैराग्राफ बन के आता है. तो बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है कि सर थ्योरिटिकल पैराग्राफ एक स्टोरी बनी हुई है, आपको क्या करना है उस थ्योरी, आपको उस स्टोरी को क्या करना है बच्चों? आपको उसे जो अभी फॉर्म मैं दे रहा हूँ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल. हुआ क्या, कंपनी ने डिसाइड किया एप्लीकेशन पर हम आपसे 3 रुपीज पर शेयर मांगेंगे, अलॉटमेंट पर हम आपसे 6 रुपीज पर शेयर मांगेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम. 6 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो आपके दिमाग में ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि प्रीमियम इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. प्रीमियम एक वो चीज है जो हम आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं. और क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमारी कंपनी में है दम. आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप मत लीजिए, आप मत खरीदिए हमारी कंपनी का शेयर. लेकिन हम तो अपना शेयर किस में देंगे? प्रीमियम पर, विच इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. इज इट ओके? तो चलिए, मैंने अभी अभी बोला अलॉटमेंट पर कंपनी आपसे 6 रुपीज लेगी. इसको क्लासिफाई कर दीजिए बच्चों 4+2. सर ऐसा क्यों? बिकॉज प्रीमियम इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, वो अलग है. तो हम अभी जब पैसे का हिसाब किताब लगाएंगे तो पहले हमें किसका हिसाब किताब दिखाना है? शेयर का. किसका हिसाब किताब दिखाना है बच्चों? शेयर का, राइट? और प्रीमियम एक्स्ट्रा कोई टेंशन नहीं, आप लो जितना लेना. अब मैं कह रहा हूं फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे वी आर चार्जिंग 2 रुपीज, सेकेंड कॉल पे मैं कह रहा हूं बैलेंस. बताइए बच्चों जल्दी से बैलेंस कितना आएगा? यस बच्चों, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बैलेंस? यस यस यस, कितना आएगा बैलेंस अमाउंट बच्चों? यस, हाउ मच बेटा? 1 per share, 1 rupee, 1, 1, 1, because total share का amount कितना मांग रहे हैं? 10 rupees, right? 3 हो गया, 4 हो गया, 6 मत बोलना, 2 rupees premium है, 2 rupees first call, 1 rupee किस पे आएगा? Second call, जिसको कई बार question में final call भी कह देते हैं. सब शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, और अगर ना लिखा हो तो वैसे भी हम मानते हैं कंपनी जितने शेयर इशू करना चाह रही है सारे के सारे शेयर्स इशू हो गए, जनता ने सच में खरीद लिए. अब आते हैं सीधे से गद्दारों के ऊपर. पहला गद्दार था मिस्टर ए. बच्चों मिस्टर ए के पास थे 200 शेयर्स. इसने क्या किया जल्दी से देखिए सर, इसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया. लैंग्वेज देखिए, मिस्टर ए डिड नॉट पेड एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन. इट मींस इसने क्या क्या मिस्टेक की बच्चों बताइए, इसने क्या क्या मिस्टेक की सर? इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया. भाई लैंग्वेज सुनिए, लैंग्वेज, मिस्टर ए डिड नॉट पेड एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन. मिस्टर ए जो शेयर होल्डर है, इसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया. कोई बात नहीं, इट मींस आने वाले इंस्टॉलमेंट नहीं दी. मिस्टर बी के पास 100 शेयर्स थे बच्चों. इसने क्या किया सर? इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी. क्या लिखा है लैंग्वेज सुनना, मिस्टर बी अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर्स डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल. तो बस मुझे इतना बता दो, जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया क्या वो सेकंड कॉल देगा? यस सर, नो बेटा? नो सर. बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, जिसने फर्स्ट नहीं दी वो सेकंड कॉल भी नहीं देगा. तो मैं जल्दी से अगर आपको आज 2 क्वेश्चन बढ़िया से करा दो काम चलेगा बेटा. कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, मिक्स, बात खत्म. और फिर मंडे से हम डायरेक्टली फॉरफ्यूचर स्टार्ट करेंगे. देखो जो बच्चा साथ में लगना चाहता है लग जाओ, ट्रेन में बैठना है बैठ जाओ,
अच्छी स्पीड पे ट्रेन चलाएंगे, शताब्दी की तरह भगाएंगे भी नहीं और पैसेंजर ट्रेन भी नहीं चलाएंगे। चलिए सर, अब हमें एक ही चीज कही जा रही है, दैट इज जर्नलाइज। ठीक है जी, तो सर हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी है। बैक से आ जाइए, जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। वी नो फर्स्ट एंट्री वेरी वेल। सर फर्स्ट एंट्री तो वैसे भी चेंज नहीं होती कभी भी। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, साथ साथ लिखते जाओ, याद हो जाएगा दिमाग में। कंसेप्ट में दिक्कत है तो कंसेप्ट समझ लो। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सर 4000 शेयर्स थे और पर शेयर हमने कितना रुपीज मांगा था? सर 3 रुपीज। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जनता से हमें कितना पैसा मिला? 12,000। 12,000 अब क्या करेगी कंपनी, जरा सोचिए। सर कंपनी है ना, इस पैसे को अब एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर कर देगी? शेयर कैपिटल में, जिससे ये साबित हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि कंपनी ने जनता के नाम शेयर ट्रांसफर कर दिए और कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी। लेकिन एक मजेदार बात यह है जो आपको दिमाग में रखनी है, शेयर कैपिटल 10 रुपीज पर शेयर से इंक्रीज नहीं हुई है। बताइए बेटा अभी कितने शेयर से इंक्रीज हुई है? एज ऑफ नाउ 12,000 तो ओवरऑल हो गया बेटा पर शेयर। उशान पर शेयर, अगर मैं पर शेयर आपसे 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपीज, शेयर कैपिटल अभी पर शेयर कितने रुपीज से इंक्रीज हुआ बेटा? 3। जबकि जनता के पास पूरा सर्टिफिकेट पहुंच गया, इसलिए तो हम जनता को कह रहे हैं ईमानदारी से, जब हम आने वाले इंस्टॉलमेंट मांगे तो पैसा दे देना, चीटिंग मत करना। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? सर इसका नरेशन क्या होता है? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर विद द सेम अमाउंट 12,000। अब जनता खुश है क्योंकि उन्होंने केवल 3 रुपए पर शेयर दिया, 3 रुपीज पर शेयर, और शेयर पूरा 10 रुपए का मिल गया उन्हें बेटा। कितनी अच्छी बात है। अब कंपनी कहे भाई लोगो, लो अगली इंस्टॉलमेंट का समय आ गया, अब हम तुम सुनाएंगे अलॉटमेंट एंट्री के बाद। वैसे भी एक नया स्टेशन आ जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है? पहले पैसा मांगेंगे फिर पैसा मिलेगा। तो अलॉटमेंट मांगेंगे तो अलॉटमेंट डेबिट, फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो फर्स्ट कॉल डेबिट, सेकेंड कॉल मांगेंगे तो सेकेंड कॉल डेबिट, और टू में फिर से धीरे 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 हम अपनी शेयर कैपिटल क्या करते जाएंगे? इंक्रीज। सर रुको, इस बार हम अलॉटमेंट पर केवल और केवल शेयर का नहीं, शेयर के साथ साथ किसका पैसा मांग रहे हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सर ये क्या है एक बार फिर से बता देंगे? यस बेटा, ये एक एक्स्ट्रा मनी है जो हम आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि भाई हमें भी तो कंपनी के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करना होता है। तो हम कहते हैं चलो भाई अपना शेयर ज्यादा में बेच देते हैं क्योंकि पब्लिक तो लेने को तैयार नहीं है। डायरेक्शन देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब आप चेक कीजिए कैसे करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितने शेयर्स हैं? सर 4000 शेयर्स हैं। इनटू में चेक कीजिए बच्चों, टोटल कितना मांग रहे हैं आप? टोटल कितना मांग रहे हैं बच्चों? टोटल पर शेयर, पर शेयर, पर शेयर, यस वेरी गुड। ऐसे पर शेयर की बात किया करो, 4000 शेयर्स इनटू 6 रुपीज पर शेयर, ये हुआ 24,000। बट बी केयरफुल, आप अलॉटमेंट पर शेयर 6 रुपए मांग रहे हो, ये बात समझ में आती है? शेयर का कितना मांग रहे हो? 4 रुपए। प्रीमियम का कितना मांग रहे हो? 2 रुपए। इट्स वेरी इजी। कितना मजेदार है बेटा ये चीज, राइट? मतलब आप ये जो गोला मैंने बनाया है सर के लिए, आप भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 4,000 × 4, 16,000 तो आप शेयर का मांग रहे हो, और 4,000 × 2, 8,000 प्रीमियम का मांग रहे हो। अब पैसा मिलने की बारी। जब भी पैसा रिसीव होता है इस पूरे चैप्टर में, 11th का कंसेप्ट है, जब भी मनी मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल रहा है बच्चों? सर अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट बच्चों? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब पहले डेबिट में देखो ऊपर वाली एंट्री में। यस यस उशान बताओ। सर इसमें कॉल्स एंड एरियर्स भी तो है। सेकंड ऑप्शन दिखाऊंगा बेटा, ध्यान से देखो, कहीं पे भी पढ़ लो, आप सब बुक्स में पढ़ लो या किसी भी टीचर से पढ़ लो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं दोनों ऑप्शंस बताता हूँ, लास्ट टाइम भी बताए थे, हमारे बच्चे भूल गए, कोई बात नहीं, राइट? बट ये ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है बच्चों, डोंट वरी, मैं बताऊंगा कैसे कैसे होगा, डोंट वरी, है ना? ठीक है बेटा, हमने टोटल कितना पैसा मांगा था चेक करो। सर हमने 24,000 मांगा था,
अब चेक करो क्या कोई गद्दार है, क्या कोई गद्दार है, चेक करो। हाँ सर, सर देखिए सर, मिस्टर ए जिसके पास 200 शेयर्स है, राइट, इसने सर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया सर। सर अलॉटमेंट पर टोटल कंपनी ने 6 रुपीज पर शेयर मांगा था और मिस्टर ए ने 200 × 6 कितना रुपीज नहीं दिया, 200 × 6 कितना रुपीज नहीं दिया बच्चों, 1200। किसने की ये गद्दारी, मिस्टर ए ने। बताइए जल्दी से कितना पैसा मिला, यस बच्चों कितना रुपीज मिला, यस 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 2800। वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आप रिस्पॉन्स देते हैं ना हमें बहुत अच्छा लगता है। अब पहली बात करते हैं जल्दी से इस साल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पैटर्न। पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलेगा, कुछ नहीं दे रखा, केवल एक क्यूरी का क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या होगा, 22,800। सुन लो आप सभी बेटा, क्योंकि मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे पास तो 13 साल का एक्सपीरियंस है, आप भले इसको एटीट्यूड बोलो या कुछ भी बोलो, मैं तो नहीं मानता, तो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट कोई है तो मैं ये भी इजिली नहीं मानता, मैं बेस्ट हूँ, मैं आपको बेस्ट नॉलेज दे सकता हूँ, हो सकता है बहुत सारे टीचर्स हैं, बट समझिए मैं आपको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ा रहा हूँ। अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिला, आपने अभी आंसर दिया घर में 22,800। मेरा दूसरा क्वेश्चन, कॉल्स इन एरियर कितना हुआ अलॉटमेंट पर, आपका आंसर क्या होगा बच्चों? अरे भाई हेलो, एरियर एरियर कितना हुआ है, 1200 हुआ है मेरे भाई, एरियर कितना हुआ, 1200। तो देखो ना बेटा मैंने आपका काम कर दिया ना आसान, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और तरीके से एंट्री होती है, वो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट 22,800, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,200, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 24,000। वो ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन वो अगर आप अपनी बुक में भी रिसर्च करेंगे स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन में तो दिख जाएगा, फिर नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि बाद में जब कॉल्स इन एरियर एडवांस दोनों आता है तो एक आम बच्चा जिसके पास मैथ्स नहीं है वो घबरा जाता है, वो कहता है सर ये चैप्टर बहुत हार्ड है, और वो बिल्कुल गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं है, ये चैप्टर सच में ईजी है। तो अगर आप दिखाना चाहे तो मैं केवल एक बार और दिखा सकता हूँ कि इसी एंट्री को, लेकिन ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे हमारे कुछ बच्चे घबरा जाते हैं बेटा, एरियर के साथ जब एडवांस आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैं ये भी कहूंगा साथ साथ, अगर आप में है दम, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है, तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर सकते हो, मना नहीं है बेटा, मना नहीं है, यानी कि इसी एंट्री को मैं ऐसा भी कर सकता था। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है बोर्ड में तो मैं ये भी कह रहा हूं सीबीएसई बोर्ड आपसे ये कह सकता था, अब तो नहीं कह पाएगा इस साल क्योंकि ये चैप्टर तो ओटीक्यूज में आ रहा है, राइट, सीबीएसई ये भी कह सकता है कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके ही दिखाना है, तब फर्स्ट ऑप्शन काम नहीं करेगा, तब ये जो मैंने हाईलाइट किया ये ऑप्शन हेल्प करेगा आपको। लेकिन बेटा इस साल तो ओटीक्यू पैटर्न है, तो अगर आप एंट्री दिमाग में कंसेप्ट समझ ले तो भी चलेगा बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, दोनों चीजें सही है बेटा, दोनों चीज, राइट। हम क्यों नहीं दिखाते कॉल सीन एरियर, अभी जैसे ही एडवांस आएगा तो एडवांस दिखाना कंपलसरी, एडवांस दिखाए बिना काम नहीं चलता, एरियर नहीं दिखाओगे चलेगा, बुक्स में रिसर्च कर लेना, पीछे से क्वेश्चन उठाना, आपको कॉल सीन एरियर बहुत ही कम क्वेश्चंस में दिखेगा, ना के बराबर, ठीक है, क्यों, क्योंकि उस कॉल सीन एरियर को हमने यहाँ अलग से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी कि एरियर की अमाउंट तो हमें पता है ना बच्चों, राइट। चलिए 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 कहानी खत्म, अब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी, चेक करें, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सर क्या नरेशन होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू, और हमें ये तो पता है कि हमारे शेयर्स कितने हैं, 4,000 शेयर्स हैं, और कंपनी जब पैसा मांगती है दैट टाइम कंपनी को नहीं पता बच्चों कि कौन कौन देगा कौन कौन नहीं देगा, इसलिए कंपनी पैसा सबसे मांगती है। सेकेंड फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रही है बच्चों, 2 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर, और सेकेंड कॉल पे कितना मांग रही है, 1 रुपीज पर शेयर, 2 और 1। आइए एक साथ ये एंट्री अभी से कर ले, फर्स्ट कॉल पर पैसे मांगने की एंट्री 8,000, फिर सेकेंड कॉल पर पैसा मांगने की एंट्री इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू 4,000 × 1। सर आपने रिसीविंग की तो नहीं की, अब करते हैं बेटा एक साथ, क्यों चिंता कर रहे हो, ये लो जी फर्स्ट कॉल मांग लिया, सेकंड कॉल मांग लिया,
अब रिसीविंग की एंट्री, फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब आप चाहें तो कैसे कर सकते हो शाम बताओ, अगर आपका कॉन्फिडेंस फुल्ली है तो आप क्या कर सकते हो, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियाज डीआर टू फर्स्ट कॉल 7400 600। कुछ बच्चे करते हैं बेटा ऐसा, कुछ बच्चे करते हैं, लेकिन क्या है उसके लिए तपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अब आप में से दो बच्चे संघर्ष कर लेते हैं बढ़िया, वो कहते हैं सर हम तो एरियर एडवांस दोनों ओपन करेंगे, चलेगा, नो इश्यूज एट ऑल, मार्क्स नहीं कटेंगे, आपकी चॉइस है ये। 8000 रुपीज मांगा, अब हम जल्दी से चेक करते हैं फर्स्ट कॉल पे कितने लोगों ने गद्दारी की, चेक इट आउट, सर ए ने भी की और बी ने भी की, सर 200 शेयर्स पर और 100 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, 300 शेयर पर ₹2 के हिसाब से, 300 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से, 600 रुपीज क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, तो इट मींस 7400 से एंट्री कर दो खत्म। और सर इन्हीं दोनों लोगों ने सेकंड कॉल भी नहीं दिया, मतलब जब आप सेकंड कॉल की रिसीविंग की एंट्री करेंगे द एंट्री विल रिमेन सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी पैसा मिल रहा है देखो हम क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और तुम्हें कौन सी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला, सर सेकंड कॉल, ये लो तुम्हें सेकंड कॉल, नरेशन बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव, सेकंड कॉल रिसीव, मांगे कितने थे 4000 माइनस 200 शेयर्स पहले शेयर होल्डर के पास थे, 100 दूसरे के पास, ₹1 के हिसाब से इनसे 300 नहीं मिले, जो पैसा नहीं मिला दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर, और लोकल लैंग्वेज में हम इन्हें बोलते हैं गद्दार, ये गद्दार है सर। तो इट मींस कितना पैसा मिला, 3700 खत्म, खत्म क्वेश्चन खत्म। अब मैं एक मिनट का गैप ले रहा हूँ, चैट बॉक्स में अटेंडेंस वापस से लिंक सेंड कर रहा हूँ, प्लीज जिसने अटेंडेंस फिल नहीं की एक मिनट रुक रहा हूँ मैक्सिमम, फिर एक नया क्वेश्चन, साथ साथ नया क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आइए ये था क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो भी चेक करते जाएं, तब जब तक मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ अटेंडेंस फिल कर दीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपनी लेता हूं मैं, वीवो लिमिटेड, वीवो लिमिटेड ऑफर्ड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच प्लस 40% प्रीमियम। आप खुद भी बना सकते हैं क्वेश्चन, कितना मजेदार है बेटा ये चीज देखिए, प्लस 40% प्रीमियम, ठीक है बेटा। अमाउंट कंपनी कैसे ले रही है चेक करना, कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ सेकंड कॉल पे, मतलब ये क्वेश्चन सीख लिया आपने तो आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस, आपका टास्क रहेगा कौन से सारे क्वेश्चंस जिसमें प्रो ये ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, फॉर फ्यूचर री इशू नहीं है, बेसिक आपको दिख जाएगा, कॉल्स इन एरियर एडवांस के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन पर मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, कंपनी ₹5 मांग रही है इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम। कोई बता सकता है कैसे लिखना चाहिए प्रेजेंटेशन, कंपनी एप्लीकेशन पे ₹5 मांग रही है इंक्लूडिंग टू प्रीमियम, कैसे प्रेजेंटेशन देना चाहिए, 3+2, वेरी गुड बेटा। अब सुनिए ध्यान से, सर सर एप्लीकेशन पे प्रीमियम, यस प्रीमियम कैन बी टेकन ऑन एनी इंस्टॉलमेंट, प्रीमियम एक एक्स्ट्रा पैसा है, कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन एक खास बात, ये शेयर कैपिटल का छोटा भाई है, अगर आएगा तो किसके साथ आएगा, शेयर कैपिटल, तो प्लीज इसे रुलाना मत, इधर उधर मत पटक देना, ये केवल और केवल किसी के साथ आता है, शेयर कैपिटल के साथ, ये उसी एंट्री में आएगा जिस एंट्री में आपको क्या दिखेगा बच्चों, शेयर कैपिटल। अब आप सब ये क्वेश्चन ढंग से समझ लो, आप एंजॉय करेंगे। सर अलॉटमेंट पे कंपनी कितना मांग रही है, ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मैं देखिए क्या वर्ड बोल रहा हूं, ₹4 मांग रहे हैं अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग अलॉट इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्या आप में से कोई क्लासिफिकेशन करके बता सकता है, 2+2, वेरी गुड सर, आपने 2+2 कैसे बोला, टोटल प्रीमियम 40% है, फेस वैल्यू शेयर की कितनी है 10 का 40% कितना हुआ ₹4, जिसमें से ₹2 हम प्रीमियम मांग चुके हैं, तो अब मैं कह रहा हूं अलॉटमेंट पर ₹4 मांग रहा हूं इंक्लूडिंग प्रीमियम,
तो भाई प्रीमियम तो अब 2 रुपए बचा है, ये लो 2 रुपए प्रीमियम, टोटल 4 रुपए मांग रहा हूँ, तो शेयर का कितना मांगूंगा? 2 रुपए, खत्म। फर्स्ट कॉल पे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं मांग रहा हूँ 1 रुपए, 1 रुपी, और सेकेंड कॉल पे मैं कह रहा हूँ मैं नहीं बताऊंगा, ये है बैलेंस। क्या आप में से कोई बता सकता है बैलेंस? 4 रुपीज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यानी कि सर एक बात कंफर्म है, जो ये शेयर का टोटल है ये फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए किसी भी क्वेश्चन में कम जरूर हो सकता है। और प्रीमियम कितना ले रहे हैं हम? 4 रुपए, बात सही है, एकदम करेक्ट है सर। आइए ध्यान से कंसेप्ट समझना, मजा आ जाएगा। सर दो शेयर होल्डर थे, पहले तो मैं ये लिख रहा हूं, लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स। लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया? 18,000 शेयर्स। यानी कि ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? एक नंबर का क्वेश्चन, जल्दी बताइए बेटा। अंडर सब्सक्रिप्शन, वेरी गुड। ऐसे जब बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे आप में से कुछ बच्चे 1 सेकंड में या 5 सेकंड में आंसर टिक कर लेंगे, और कुछ बच्चे पछताएंगे कि यार ऐसा कुछ सुना तो था लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा सब्सक्रिप्शन है। 100% दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन, वेरी गुड बेटा। आगे चलिए, पहला गद्दार है मिस्टर मिस्टर वाई, मिस्टर वाई, इसके पास थे 600 शेयर्स, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, यानी कि इसने क्या मिस्टेक की? अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड कॉल भी नहीं दिया, ठीक है बच्चों। और दूसरा एक इंसान था मिस्टर जेड, इसके पास थे 400 शेयर्स, इसने क्या किया पता है बच्चों? इसने अलॉटमेंट के साथ ही एंटायर मनी पे कर दिया। सर एंटायर मनी? जब कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा तो मिस्टर जेड ने सोचा कल हो ना हो अभी से पैसे दे देते, और इसने एंटायर मनी का पेमेंट कर दिया, यानी कि इसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पेमेंट कब कर दिया? विद अलॉटमेंट, बस और कुछ भी चेंज नहीं है। और हम डायरेक्टली आपसे कह रहे हैं बच्चों जर्नलाइज, एक बात, पत्थर की लकीर है, एंट्रीज तो यहां पर भी 8 ही होंगी बेटा, एंट्रीज यहां पर भी 8 होंगी, और फर्स्ट एंट्री कभी भी चेंज नहीं होगी। फर्स्ट एंट्री यहां पर भी क्या होगी बच्चों? बैंक डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। कुछ बच्चे परेशान होंगे, सर एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी है तो क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ? मैंने अभी अभी आपको बोला था कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा तो किसके साथ अटैच होके आएगा? शेयर कैपिटल, बिकॉज ये किसका छोटा भाई है? शेयर कैपिटल का, और कहीं आ ही नहीं सकता। यानी कि एक बात नंबर वन, ये क्वेश्चन कितने शेयर्स के हिसाब से होगा बच्चों? 20,000 शेयर्स या 18,000? जल्दी से बताइए। 18,000। आइए फर्स्ट एंट्री करते हैं विदाउट एनी चेंजेस, जर्नलाइज इन बुक्स ऑफ। अभी अगर आपने पूरा क्वेश्चन समझ लिया ना तो बोर्ड के पेपर में अभी आपको बस एक ही एडवांटेज मिलेगा कि ये बड़े बड़े फॉर्मेट जर्नल के नहीं बनाने, डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करना, उस समय आप रफ वर्क करेंगे चलेगा, लेकिन अभी आपका कर्तव्य सच में क्या बनता है? पूरा क्वेश्चन रिटर्न बनता। हाँ क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं, आपकी बुक में अगर 80 क्वेश्चन है आपने 20 या 30 भी ढंग से तबीयत से कर लिए काम चल सकता है, नो इश्यूज एट ऑल बेटा, इज इट ओके? ठीक है बेटा, ठीक है चलिए। अच्छा बीच में क्या देख रहा हूँ, कुछ बच्चे अभी इतने चालाक है बेटा, अटेंडेंस लगा दू और चले गए छोड़कर क्लास, कोई बात नहीं, सब बच्चे थोड़ी ना कोई टॉपर बनेंगे, कुछ बच्चे बर्बाद भी तो होने चाहिए। और ये वर्ड पता है क्यों बोल रहा हूँ? रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे बेटा, उस दिन आपको पता चलेगा, जब बेइज्जती होती ना दुनिया वालों के सामने, जब बच्चा कहता है हाँ क्या हुआ तो मेरे मार्क्स नहीं आए तो मैं रियल लाइफ में बहुत कुछ कर लूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी दिन आएगा चेक करेंगे। चलिए बेटा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सर 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, और शेयर हमने एप्लीकेशन पे कितना मांगा था बच्चों? जल्दी से बताइए, हाउ मच रुपीज, हाउ मच? 5। अब 3 + 2 भी चाहो तो टोटल 5 बोल सकते हो, लेकिन गलती से भी अगर किसी बच्चे ने ऐसी एंट्री कर दी बैंक डीआर टू शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, गलत हो जाएगा। अगर प्रीमियम आएगा तो शेयर कैपिटल के साथ ही आएगा, ये पत्थर की लकीर है कंफर्म,
90 फर्स्ट एंट्री डन, आइए सेकेंड एंट्री में। सर शेयर एप्लीकेशन का पैसा क्रेडिट से कहाँ आ जाएगा? डेबिट। ये लीजिए विद द सेम अमाउंट 90,000। ये स्वाइन यानी डाउट बेटा, चेक कीजिए टू में मैं क्या लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एज यूजुअल लिख रहा हूं, और साथ साथ क्या आ गया इसमें? यस सुशांत बोलो बेटा। यस सर, ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अपन ने फर्स्ट एंट्री में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फर्स्ट एंट्री में ये गारंटी नहीं है कि हम आपको शेयर देंगे या नहीं देंगे। वेरी मच इजी आंसर बेटा, आप आराम से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। पहली एंट्री का मतलब केवल यही है, पैसा दे दो फिर हम डिसाइड करेंगे। जब आपको शेयर देंगे तो साथ साथ प्रीमियम का भी पैसा एडजस्ट कर लेंगे। बताओ बेटा क्लियर है तो ठीक, नहीं तो फिर से लड़ाई करते हैं इस टॉपिक पे। पहली एंट्री में अगर आपने प्रीमियम लिख दिया इट मींस शेयर दे दिया। बताओ शान क्या गारंटी है फर्स्ट एंट्री का मतलब शेयर दे दिया? बताओ बेटा। नो, पहली एंट्री में तो बेटा हो सकता है हमें 30,000 शेयर्स के हिसाब से पैसा मिल जाए, वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, और ये चैप्टर मैक्सिमम ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही बेस्ड है। आप सब सोच लो, अभी अगर आपको हार्ड लग रहा है तो इस चैप्टर के मेन दो पड़ाव बाकी है, एक तो गदारों के शेयर फॉरफिट करो, और दूसरा सबसे मेन जिसको मैं लोकल लैंग्वेज में बोलता हूँ तूफान। सर क्या है ये तूफान? तूफान मींस ओवर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन ही सबसे मेन है। वो मैं स्टार्ट कर दूंगा विद इन फ्यू डेज, डोंट वरी बेटा, विद इन फ्यू डेज में वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, विद इन 2 or 3 days। हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तब फिर हम ओवरऑल चैप्टर की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, पहली एंट्री में कभी भी प्रीमियम आ ही नहीं सकता, पहली एंट्री फॉर्मेलिटी है, पैसा मिला। अरे पैसे मिलने से क्या होता है भाई? सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंस रखती है कि शेयर दिए या नहीं दिए। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ये लीजिए बच्चों एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब देखिए ध्यान से, शेयर का कितना पैसा मांगा था? 3 रुपए, तो शेयर कैपिटल 3 से इंक्रीज होगा। प्रीमियम 2 रुपीज, मल्टीप्लाई कर लो, 18 3 54, 18 2 36। एज यूजुअल कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ बेसिक चल रहा है। जल्दी चाहिए नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट मांगा। अब उशान एंड अदर स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, क्या हमें पता चल चुका है कितने शेयर से हमारे, जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं? बताओ बेटा, पता चल चुका है ना बेटा, ऑल ऑफ यू? यस। तो अब हम शेयर कैपिटल के साथ साथ अलॉटमेंट पर जनता से प्रीमियम मांग रहे तो साथ साथ दिखा सकते हो बाप, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि अब हमारे कितने शेयर होल्डर्स हैं। सर हमारे शेयर होल्डर्स हैं 18,000, अलॉटमेंट ड्यू। सर 18,000 शेयर्स है, चेक करते हैं इनटू में टोटल कितना रुपीज मांग रहे हैं। आ जाओ बच्चों जल्दी से चेक करो। सर टोटल 4 रुपए मांग रहे हैं, 2 + 2 = 4 रुपीज। आइए चेक कीजिए टोटल कितना रुपीज मांग रहे हैं, 4। 18,000 × 4 इट बिकम्स 72,000। सर रुको रुको, शेयर का मांग रहे हैं 2 रुपए, प्रीमियम का भी मांग रहे हैं 2 रुपए। 18,000 × 2 = 36,000, 18,000 × 2 = 36,000। शेयर कैपिटल शेयर की अमाउंट से इंक्रीज होगा, और प्रीमियम की अमाउंट प्रीमियम के रुपीज से इंक्रीज होगा, बात खत्म। आइए चौथी एंट्री, पैसे ले लीजिए। अब जब भी हम अलॉटमेंट का पैसा लेते हैं, क्या हमें एंट्री नहीं याद हुई अभी तक? बैंक अकाउंट डेबिट। सर अलॉटमेंट का मिलेगा तो 2 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का मिलेगा तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल का मिलेगा तो सेकेंड कॉल। कितना ईजी है ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ किसी ने कम दिया तो किसी ने ज्यादा भी दिया है, यहाँ पर एक नया अकाउंट ओपन करना ही करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। बताता हूँ कैसे करेंगे, डोंट वरी, जल्दी से चेक करो। सबसे पहले नरेशन, अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट रिसीव। जल्दी से पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बताइए बेटा मांगा कितना था, जल्दी बताओ टोटल कितना पैसा मांगा था अलॉटमेंट पर? यस 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 स्टूडेंट्स, कितना पैसा मांगा है? 72,000 माइनस, बेटा गद्दारों को ढूंढते हैं जल्दी से कि इस क्वेश्चन में कितने गद्दार हैं। आ जाओ आ जाओ बेटा, बेटा कौन है गद्दार इस क्वेश्चन में, बताइए कितने गद्दार है, कौन है बताइए? एक है, दो है, कौन है गद्दार?
मिस्टर वाई 600 सर एक ही कतार है मिस्टर वाई सर इस कतार के पास 600 शेयर्स थे, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया सर 600 शेयर्स पर। अच्छा वैसे मिलना कितना चाहिए था पर शेयर? सर 4 रुपए पर शेयर मिलना चाहिए था 600 शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से। 2400 रुपए नहीं मिला, 2400 नहीं मिला, तो इसका प्रेजेंटेशन पता है कहाँ आएगा? अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से करोगे पता है? 72,000 में से 2400 माइनस कर दो, कितना आएगा? 69,600। अब बच्चा कह रहा है सर आपने बैंक के आगे क्यों नहीं लिखा? रुको रुको रीजन बताता हूँ बेटा, क्यों घबरा रहे हो? जल्दी से चेक करो, पहले ये देखो अलॉटमेंट डेबिट कितने से है 72,000, अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से है 69,600, क्योंकि 2400 का क्या हो गया एरियर्स, इज इट ओके? अब ये देखो क्या किसी ने एडवांस दिया? हाँ सर, सर मिस्टर वाई के बाद जो ये मिस्टर जेड है ना सर, सर इसके पास 400 शेयर्स थे सर, इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया, इसने कोई गलती नहीं की सर, तो फिर इसका डिस्कशन क्यों किया जा रहा है? सर इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस दे दिया, आखिर कितना रुपए एडवांस दिया इसने पर शेयर बता सकता है कोई? पर शेयर कितना एडवांस दिया यस बच्चों? 5 रुपए। चेक इट आउट बेटा, सर इसने 400 शेयर्स पर 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से, जो हमने नहीं मांगा था सर, इसने एडवांस दे दिया सर। अब पैसा आ गया कंपनी के पास तो लेंगे ना। आप अगर अभी 11th में होते, आप में से कोई बच्चा 12th की फीस देगा स्कूल को, क्या स्कूल मना करेगा? क्यों मना करेगा? बिल्कुल नहीं मना करेगा, इज इट ओके? यानी कि सर इसने 5 रुपए के हिसाब से कंपनी को 2000 रुपीज एडवांस दे दिए। दी बेस्ट क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, एक नंबर का OTQ बन सकता है 100% कि अलॉटमेंट के समय बैंक अकाउंट टोटल कितने रुपीज से डेबिट होगा? द आंसर विल बी 71,600। बताओ जल्दी से किसको प्रॉब्लम है तो? बताओ बेटा भाई, मांगे थे 72,000, उसमें से 69,600 तो अलॉटमेंट के मिल गए, साथ साथ 2000 एडवांस मिल गए, टोटल कितना पैसा मिला 71,600। अब उशान और अदर स्टूडेंट्स, अब बताओ बेटा, अगर मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करता हूं तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस। अब एक बात बताओ, एक ऑर्डिनरी बच्चा डर सकता है ना बेटा यहाँ पे, इसलिए बुक्स भी ऐसा ही करती है बेटा। लेकिन जो टैलेंटेड मानते हैं कि सर हम तो दिन रात कंपनी की प्रैक्टिस कर रहे हैं पागलों की तरह, हम गारंटेड श्योर हैं सर कि हम तो दोनों अकाउंट ओपन करेंगे, कीजिए बेटा, और नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन एरियर पता लग रहा है, एरियर पता लग रहा है कितना है 2400, खत्म। आ जाओ सर, मतलब किसी ने एडवांस दे दिया, हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट एंट्री जब आप फर्स्ट कॉल मांगेंगे, नो चेंज एज यूजुअल, सभी के घर पे नोटिस भेजेंगे और नोटिस के नीचे कंपनी लिख भी देती है अगर किसी का पैसा एडवांस आ गया कोई बात नहीं, इस मैसेज को इग्नोर कर दीजिए। जैसे आपके ग्रुप में कई बार आता है ना बेटा स्कूल की तरफ से कि आपके बच्चे की नेक्स्ट फीस ड्यू है, और नीचे नीचे क्या लिखा होता है बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ क्या लिखा होता है ब्रैकेट में कुछ बताओ बेटा? पेड प्लीज इग्नोर, इफ पेड प्लीज इग्नोर, तो इससे किसी को बुरा भी नहीं लगता, कितनी अच्छी बात है। आइए फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, आई थिंक 1 रुपी पर शेयर है बेटा, 18,000 शेयर्स हैं, 18,000 शेयर्स इनटू में 1 रुपी पर शेयर के हिसाब से कंपनी कितना पैसा मांगेगी? 18,000। अब पैसे मिलने का जब टाइम आएगा तब थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ये एंट्री इंपॉर्टेंट बन जाएगी बेटा, अगेन बोर्ड के पेपर में OTQ आ सकता है इसमें से। बैंक अकाउंट डेबिट, जिस इंसान ने एडवांस पैसा दिया था पहले आपने उसका अकाउंट क्रेडिट किया था, अब क्रेडिट से कहां ले आओगे? डेबिट। सर क्यों 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 सर, व्हाई? बिकॉज पहले क्रेडिट में लिखा था पैसा मिला था, अब वो पैसा वापस थोड़ी ना देगा भाई, कॉल से एडवांस जिसने दिया वो वापस थोड़ी ना देगा, अब उसके पैसे को क्रेडिट से डेबिट में लाके क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे बच्चों, एडजस्ट। बस ये चीज है कॉल्स इन एडवांस, जहां हमारा एक आम बच्चा मैंगो स्टूडेंट डर जाता है कि सर ये क्या किया आपने, इट्स वेरी इजी बच्चों सीरियसली। लेकिन साथ साथ एक ही चीज ध्यान रखनी है, पहले गद्दारों के ऊपर फोकस करना, अगर किसी ने गद्दारी की तो उसका पैसा माइनस कीजिए। आइए जल्दी से नरेशन चेक करते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड,
बीन फर्स्ट कॉल रिसीव, वही तरीका जो हमेशा अप्लाई होता है। पैसा कितना मांग रही है कंपनी टोटल, जल्दी बताइए कितना मांग रही है बेटा? 18,000 माइनस सबसे पहले किसी भी बच्चे का एक ही फर्ज बनता है, सर एरियर का पैसा माइनस कर दो, अगर कोई गद्दार है उसका पैसा माइनस कर दो। बताओ बच्चों क्या कोई गद्दार है? चेक करते हैं फर्स्ट कॉल किसने नहीं दिया, जल्दी बताइए फर्स्ट कॉल किसने नहीं दिया बच्चों? फर्स्ट कॉल किसने नहीं दिया? सर जो ये मिस्टर वाई है ना सर, इसने सर 600 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का 1 रुपी के हिसाब से, 1 रुपी के हिसाब से कितना रुपीज नहीं दिया? 600। सर 600 रुपए एरियर हो गया, माइनस कर दो बेटा, क्यों घबरा रहे हो? और इस अमाउंट को इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के आगे क्रेडिट में लिख दो, 17,400 मिले। सर मांगे थे 18,000 रुपीज, उसमें से मिले कितने हैं बच्चों? 17,400। क्या किसी का कुछ एडवांस भी है क्या बेटा? चेक करना पड़ेगा सर, कितना किसका एडवांस है? आ जाओ वापिस से चेक करते हैं सर, जल्दी से देखिए सर। मिस्टर जेड है ना जो, इसने 400 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 1 रुपए फर्स्ट कॉल का, 4 रुपए सेकंड कॉल का एडवांस दे दिया, यानी 400 रुपए फर्स्ट कॉल के एडवांस दिए और 400 × 4 1600 सेकंड कॉल के एडवांस दिए, और इसने टोटल 2,000 रुपीज एडवांस दिए थे। चेक करो इस 2,000 का डिस्क्रिप्शन फिर से दे रहा हूँ, 400 × 5 फर्स्ट कॉल का एडवांस दिया, 400 × 4 सेकंड कॉल का एडवांस दिया, 400 रुपए इसके क्रेडिट से डेबिट में लाके एडजस्ट कर दो, यानी 17,400 में से 400 रुपए पहले ही मिल चुके हैं, तो ताजा फ्रेश बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 17,000 रुपीज से। इज इट ओके? अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपके पास बुक्स है, एग्जाम्पल है, ट्राई करो बेटा। नेक्स्ट 2 एंट्रीज में सॉल्यूशन करके आपको भेजूंगा थोड़ी देर में, आप चेक कर सकते हैं। मेरी तरफ से बेसिक्स पूरा खत्म, नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली आपको फॉर फ्यूचर कराऊं। इज इट ओके बच्चों? सो बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।